Hello everyone, welcome to second semester chapter 6 formatting of document in MS Word 2010. Myself Preeti Godha welcomes you to this video. In this video we are going to discuss about MS Word. So in the last chapter also we saw that how we can use MS Word and how can we open this. For this you have to click on this search button. In the search button, I'm typing Word, W-O-R-D. Look, this Word app is appearing here. Double click on this app or click on this open button. I'm clicking on the open button and the Word file is appearing in front of us. So look, this is our Word file. If you want to open it, then choose the blank document option. This is our blank document. Click on this option so that the blank document is appearing in front of you. Okay, this is our MS Word file. This is also called as document file. In this, now we want to apply some changes on fonts. So for that, we have to see that where is the font group. The font group is available in the home tab. This is our home tab. This is insert tab, design tab, layout tab, reference tab, mailing tab, review tab, view tab, and help tab. So for this, we have to click on home tab. This is our home tab. Click on this home tab and choose the font group. In this font group, this is the font style box. Ye jo box hai, isko font style box bolte hain. जिससे हम राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं. स्टाइलिश अगर हमें लिखना है तो हम इसमें से राइटिंग स्टाइल को चूज करते हैं. ये यहाँ पर आप एरो बटन देख रहे हैं जिस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी राइटिंग स्टाइल्स, अलग अलग वैरायटी की राइटिंग स्टाइल्स मिलती है. आप इस कर्सर को स्क्रॉल बार बटन से कर्सर की हेल्प से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है. और जो भी आपको फॉन्ट साइज पसंद आ, फॉन्ट स्टाइल पसंद आती है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं. तो हम इसे कैसे अप्लाई करते हैं. सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिखा एक टेक्स्ट. यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहेंगे वो हम लिख सकते हैं. सपोज दैट हमें एक स्टोरी लिखनी है तो एक स्टोरी के लिए मैंने हेडिंग डाली. मेरी स्टोरी है द लायन एंड द माउस. ये मेरी स्टोरी का टाइटल है, ठीक है. अब हमको इसको बहुत स्टाइलिश लिखना है. इसको स्टाइलिश कैसे लिखेंगे, इस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करना हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर की वीडियोस में देखा है. अदरवाइज यहाँ पर आप स्टार्टिंग में जहां से जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां पर आप कर्सर रखेंगे और जहां तक सिलेक्ट करना है उस पर ड्रैग कर देंगे तो ये वर्ड्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे. सिलेक्ट होने के बाद आप इस फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे जो कहाँ पर मिलेगा, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में. Click on this home tab, come on this font group and choose this font style button. This arrow you have to, on this arrow button you have to click. यहाँ हमने arrow button पे click किया. अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं ये स्टाइल पे क्लिक कर रही हूँ ये पीछे की राइटिंग जो है हमने लिखा है टेक्स्ट वो उसकी राइटिंग चेंज हो रही है, ठीक है. ये देखिए ये चेंज हो गई. तो ऐसे हम जो भी इस लिस्ट में से चूज करना चाहते हैं वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं. This is called as the font style. Okay. Now we want to change the font size. Font size change karna, that means aapko font ki height or width dono change karna hai. Kya change karna hai? Font size, that means font ki height or width. Matlab fonts ko bade karna ya chote karna hai. To wo hum kaise kar sakte hai? We have to click on this font size arrow button. ठीक है, ये फॉन्ट साइज का एरो बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है. क्या करोगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में ये एरो बटन है उस पर क्लिक करोगे और जितना बड़ा नंबर चूज करोगे उतनी फॉन्ट साइज हमारी बड़ी होती जाएगी. आप देख रहे हैं मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाती हुई, 9 पर आपको छोटी साइज है, 10 पर थोड़ी बड़ी हुई, 11 पे और बड़ी हुई, 12 पे और बड़ी, देन डायरेक्ट मैंने 26 ले लिया तो और बड़ी हो गई और 72 ले लूंगी तो बहुत बड़ी साइज हो जाएगी. तो ऐसे हम अपनी फॉन्ट साइज को जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं.
और जैसे ही मैंने 72 चूज करा तो 72 पे क्लिक कर दूंगे तो ये हमारी साइज चूज हो चुकी है। अगर ऐसे ही हम वापस से फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एरो बटन पे क्लिक करेंगे और छोटे नंबर चूज कर लेंगे, है ना। छोटे नंबर मतलब 72 से छोटे नंबर, तो जैसे 26 चूज कर लिया, 26 पे क्लिक कर दिया तो फॉन्ट साइज छोटी हो गई है। अगर हमें फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है, छोटा करना है बाय वन वैल्यू, एक वैल्यू या दो वैल्यू से हमें डिक्रीज करना है, तो हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्मॉलर देन का बटन यूज करते हैं। डिक्रीज करना है तो स्मॉलर देन का साइज हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल बटन और स्मॉलर देन का बटन हम चूज करेंगे, ये शॉर्टकट की है, ताकि क्या होगा, फॉन्ट साइज हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन बटन भी यूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए। और डिक्रीज करना है बाय वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट से हमें डिक्रीज करना है तो कंट्रोल बटन प्लस आपका बिग ब्रैकेट होता है ना, उस बिग ब्रैकेट वाले बटन पे आप चूज करेंगे। तो देखो ये वन साइज से आपकी डिक्रीज हो रही है ना, छोटी होते हुए दिख रही है, और बड़ी करनी है तो कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज वाला, तो उससे बड़ी हो जाएगी, एक एक पॉइंट से बड़ी और छोटी होती है, क्लियर। तो इस तरीके से हम अपना फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ पर फॉन्ट साइज जैसे 33 है, इस लिस्ट में तो आपको 33 दिख ही नहीं रहा है, तो ये कैसे लेके आए, तो जो भी फॉन्ट साइज हमें अप्लाई करनी है तो हम कीबोर्ड की हेल्प से नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे 35 साइज चूज करनी है तो मैं कीबोर्ड से 3 और 5 प्रेस करने के बाद एंटर की को प्रेस कर दूंगी, फिर तो मेरी फॉन्ट साइज 35 हो गई, ठीक है। जो साइज लिस्ट में नहीं है, अगर वो साइज भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो हम जैसे 36 यहाँ दे रखी है और आपको इसके बाद 39 साइज चूज करनी है, तो हमारी लिस्ट में तो डायरेक्ट 48 है ना। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, कीबोर्ड की हेल्प से यहाँ पर हम 40 अप्लाई कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये फॉन्ट साइज हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आज देखा कि हम कैसे अपने फॉन्ट स्टाइल्स और फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।